हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय प्रेगनेंसी सीरीज। सबसे पहले जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपके मन में क्वेश्चन आता है कि मेरा बेबी ड्यू कब है, यानी मैं अपने बेबी को कब एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, बिकॉज दैट्स द क्वेश्चन जो आपको हेल्प करेगा प्रिपेयर करने के लिए, एंड दैट्स द क्वेश्चन जो आपसे सब पूछेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे दो बहुत सिंपल टिप्स शेयर करूंगी कि आप अपनी एक्सपेक्टेड ड्यू डेट कैसे निकाल सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज यहाँ आपको मिलेगा बहुत सारा प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉन्टेंट। एंड क्योंकि ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है तो यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत सारा बेबी एंड मदर केयर रिलेटेड कंटेंट भी, जो मैंने अपने फर्स्ट बेबी के एक्सपीरियंस पे बनाया है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। अगर स्टेटिस्टिक्स को देखा जाए तो सिर्फ 4-5% बेबीज ही ऐसे होते हैं जो अपनी एग्जैक्ट ड्यू डेट पे आते हैं, यानी जो ड्यू डेट आप डॉक्टर के साथ डिस्कस करते आ रहे हैं, आपको लग रहा है इस दिन आपका बेबी होने वाला है, सिर्फ 4-5% बच्चे ही उस दिन आते हैं। ऐसा देखा गया है कि 80% मॉम्स अपने बेबीज को डिलीवर करती हैं बिटवीन 38-42 वीक्स, जिसको भी फुल टर्म बेबी ही माना जाता है। प्रेगनेंसी एक 40 वीक्स की साइकिल है। अगर आप उससे 2 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते बाद डिलीवर कर रहे हो तो उसको प्री टर्म या ओवर टर्म नहीं बोला जाता, उसको फुल टर्म ही माना जाता है। सो यू कैन बी हैप्पी अबाउट इट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी ड्यू डेट नहीं पता होनी चाहिए। ड्यू डेट पता होने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ, जो आप अपने फिंगर टिप्स पे कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो लास्ट पीरियड साइकिल थी उसका फर्स्ट डे क्या था। जब आप डॉक्टर से भी मिलेंगे तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन डॉक्टर ये पूछेंगे कि आपकी लास्ट पीरियड डेट क्या थी, जहां आपको बताना है कि आपका फर्स्ट डे कौन से डेट को पड़ रहा था। तो मान लीजिए मेरे लास्ट पीरियड्स आए थे फरवरी 2021 में, मेरा जो फर्स्ट डे ऑफ पीरियड था वो था 12th फरवरी। अब 12th फरवरी से आप सीधा 9 मंथ्स ऐड कर लीजिए, तो जब मैं 9 मंथ ऐड करूंगी तो आएगा 12th नवंबर। इसके साथ आप एक 7 डेज और ऐड कर लीजिए, 1 वीक आप एडिशनल ले लीजिए, तो मेरी डेट आएगी 19th नवंबर। तो फिंगर टिप्स पे या मैं अपने माइंड से कैलकुलेट करके आपको बोल सकती हूँ कि आपकी ड्यू डेट है 19th नवंबर। इसी तरीके से डॉक्टर आपसे बात करके पेपर पे लिख देते हैं कि आपकी ड्यू डेट है 19th नवंबर। तो आपकी लास्ट पीरियड साइकिल की फर्स्ट डेट से 9 मंथ्स प्लस 7 डेज, वो है आपकी ड्यू डेट। अब मान लीजिए कि आपको एग्जैक्ट ड्यू डेट चाहिए, आपको फिंगर टिप्स पे बिलीव नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो आप इंटरनेट पे जाइए, यहाँ पे टाइप कीजिए ड्यू डेट कैलकुलेटर, क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो मान लीजिए मैं फर्स्ट ऑप्शन ही ले लेती हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन के बेस पे मैं अपना ड्यू डेट कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो कैलकुलेशन मेथड में लेते हैं, अगर आपको याद है आपका लास्ट पीरियड क्या है या आपने किस दिन कंसीव किया, जो कि बहुत मुश्किल है पता होना, अगर आपकी IVF प्रेगनेंसी है या लास्ट अल्ट्रासाउंड, मोस्ट केसेस में आपको लास्ट पीरियड डेट लेना है। अब लास्ट पीरियड डेट में जैसे मैंने आपको बताया, आपको अपने लास्ट पीरियड का फर्स्ट डे पता होना चाहिए, तो जैसे हमने डिस्कस किया था 12 फरवरी। एंड अब आपकी साइकिल की लेंथ, मान लीजिए आपको पता है कि आपके पीरियड्स एग्जैक्ट 28 दिन में आते हैं, 21 दिन में आते हैं, 22 दिन में आते हैं, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, कभी 29 दिन कभी 30 दिन, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए आई डोंट नो, और उसके बाद आप ये करिए कैलकुलेट माई ड्यू डेट एंड देखते हैं, बिंगो, यहाँ पे भी मेरी ड्यू डेट आ रही है 19 नवंबर 2021, जो मैंने अपने फिंगर टिप्स पे भी कैलकुलेट कर ली थी। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स गो बैक। मान लीजिए हम ये सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल में भी मेरे से पूछा जा रहा है कि मैं किस मेथड से कैलकुलेट करना चाहती हूँ, तो मुझे अपने लास्ट पीरियड डेट याद है, लास्ट पीरियड डेट का मेरा जो फर्स्ट डे था वो था 12th फरवरी 2021, एंड यहाँ पे देखते हैं, एंड अगेन माई टाइमलाइन इज 19 नवंबर 2021। तो गैस इस तरीके से बहुत आसान वेज में मुझे पता चल जाता है कि मेरी ड्यू डेट क्या है। इसी तरीके से मेरा डॉक्टर के साथ भी डिस्कशन होता है, बट आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो फर्स्ट विजिट में आप ड्यू डेट डिस्कस करते हो, जो बेसिकली मेंटली कैलकुलेट करके किया गया है, हो सकता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए डिपेंडिंग ऑन योर अल्ट्रासाउंड्स। जैसे जैसे आप अपनी अल्ट्रासाउंड्स के लिए डॉक्टर को विजिट करते हो, वो बेबी की ग्रोथ असेस करते हैं, उसके बेस पे हो सकता है आपकी ड्यू डेट थोड़ी बहुत चेंज हो, कुछ दिन आगे कुछ दिन पीछे, बिकॉज कई बार होता है कि हमें एग्जैक्ट
एग्जैक्ट अपनी लास्ट पीरियड डेट नहीं याद होती है तो उस केस में भी ऐसा हो सकता है, और कई बार बेबी की ग्रोथ पे भी थोड़ा डिपेंड करता है। सो डोंट बी डिसहार्टेंड अगर आपको आपका बेबी जल्दी मिल जाए तो भी अच्छा, अगर आपका बेबी थोड़ा सा लेट मिले बट हेल्दी मिले तब भी बहुत अच्छा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन हिट कर लेना ताकि हर वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो करना बिकॉज वहां आपको हमारी देखने को मिलेगी एक फन साइड, और वहां पे भी हम बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं बट मोर इन अ फन वे। विद दैट वी आर एट द एंड ऑफ द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।